दोस्तों, अगर आपने स्टार प्लस का पॉपुलर शो दिया और बात ही हम देखा होगा तो आपको सूरज राठी तो जरूर याद होंगे, जिन्होंने अपनी पत्नी संध्या के सपने को साकार करने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी। इस किरदार को अच्छे से पर्दे पर उतारने वाले इस अभिनेता का असली नाम अनस रशीद है, जिन्होंने इस किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि लोग इनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आप अनस रशीद के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनकी पत्नी और बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही अपने प्यारे अभिनेता सूरज राठी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार प्लस के दमदार शो दिया और बात ही हम में सूरज राठी का किरदार निभा कर सभी के दिलों में एक खास जगह बनाने वाले अभिनेता अनस रशीद का जन्म 31 अगस्त 1980 को पंजाब के मालेरकोटला में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से पूरी हुई। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 के सीरियल कहीं तो होगा से की थी, जिसमें इन्होंने कार्तिक अहलूवालिया का किरदार निभाया था और अपनी दमदार अदायगी की बदौलत ये पहले सीरियल से ही काफी फेमस हो गए थे, जिसके चलते इन्हें बैक टू बैक कई सीरियलों में काम करने का मौका मिला, जिनमें क्या होगा निम्मो का, धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज, ऐसे करुणा विदा और दिया और बाती हम जैसे सीरियल शामिल हैं। इन सभी शोज में काम करने के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया था। इन्हें आखिरी बार साल 2017 में तू सूरज में सांझ पियाजी में एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर देखा गया था। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी और बच्चों के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम हिना इकबाल है, जो कि पेशे से एक ब्यूटिशियन है। इनका मुंबई में काफी बड़ा ब्यूटी सैलून है, जिसके जरिए ये काफी अच्छी कमाई कर लेती हैं। अगर बात करें कि लव लाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि अनस रशीद ने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से शादी की है। जब ये शो दिया और बात ही हम में काम कर रहे थे तभी से इनकी मम्मी इनकी शादी के पीछे पड़ी थी, जिसके बाद इन्होंने अपनी मम्मी से कुछ टाइम लिया और शो खत्म होने के बाद इन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ साल 2017 में काफी धूमधाम से अपना निकाह किया, जिसमें टीवी जगत की कई नामी हस्तियां भी शामिल हुई थी। इस शादी के 1.5 साल बाद इनके घर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने आयत रखा। आयत के घर में आने से इनके घर की खुशियों में 4 चांद लग गए। अभी तो अनस रशीद भी अपने करियर की शुरुआत नहीं करना चाहते और अपना पूरा टाइम अपनी क्यूट सी डॉटर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वर्तमान में आयत 1 साल की हो गई है और दिखने में काफी क्यूट और चार्मिंग नजर आती है। हाल ही में इन्होंने अपनी क्यूट सी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज अपलोड की थी, और उन तस्वीरों में ये बहुत ही क्यूट लग रही थी, जैसा कि आप इनके इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनस रशीद को दोबारा से टीवी इंडस्ट्री में वापसी करनी चाहिए कि नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।